जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्त वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं तत्कामार्थिदये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी। आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम दागनक चंपक दाम्बुशाम उतंग बिन को चुकंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्नि रूपाय ओम ह्रौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर की जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वंतमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मातृ शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमत्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमत्तस्यै 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 नमो नमः। पापापहारिणीं देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं अनंतां विज्ञां शुद्धां शरणां शिवदां शिवां। ओम ह्रौं जुं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वः भुवः भू ओम सः जूं ह्रौं ओम। परम पिता परमात्मा और माँ जगत जननी, आपके कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र हरे और संकट हरे। हम हमेशा आप सभी सनातनी हिंदू धर्मावलंबियों के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आपको नित नित नई नई जानकारी प्रदान करता है, रहस्यमय ज्ञान देता है। यदि कोई मनुष्य अपने संस्कारों से अलग हो जाता है तो उसका जीवन फिर बेकार हो जाता है। परिवार मनुष्य की जीवन की सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम यूनिट होती है। जिस घर में, ऐसा भी कहा गया है शास्त्रों में कि जिस घर में माता पिता हंसते हैं उस घर में भगवान का वास होता है। संस्कारों से परवरिश आती है और परवरिश से परिवार का परिचय मिल जाता है। और एक आदर्श परिवार के बिना एक आदर्श जीवन का निर्माण कदापि संभव नहीं होता है। मानव जीवन के संस्कारों की प्रथम पाठशाला का नाम ही परिवार है। परंतु हम देखते हैं कि आज के जमाने में, कलयुग की बात करता हूं मैं हमेशा,
कि आज के जमाने में जो युवा पीढ़ी है वो अपनी मर्जी से विवाह कर रही है, और अपनी मर्जी से विवाह करने की वजह से कई बार तो माता पिता उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो लड़की कोर्ट में जाकर के शादी कर लेती है, भाग करके शादी कर लेती है, लड़का लड़की को भगा करके लेके चला जाता है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के वहां शादी हो जाती है। तो इस तरीके से वो दोनों अपने परिवार से कट जाते हैं। अब इसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा कि जिस प्रकार एक पहाड़ से टूटा हुआ पत्थर सलामत नहीं रहता है, उसे फिर और लोग भी तोड़ते रहते हैं, उसी प्रकार परिवार से बिछड़ा हुआ मनुष्य भी कभी सलामत नहीं रह सकता। इसीलिए हमारे यहां पे परिवार बनाया गया है, यानी कि जो पुरुष और स्त्री अपने परिवार की राजी मर्जी को छोड़कर के स्वयं की मर्जी से विवाह करते हैं, वह लड़का व लड़की कभी भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि उनको विवाह जैसा संस्कार यानी कि कुल देवी देवता की उपस्थिति, पितृदेवा देवता की राजी खुशी, विधिवत कन्या दान लेकर किया जाता है, अग्नि के साथ फेरे होते हैं, ये सब संस्कार है हमारे कि अग्नि के साथ फेरे होते हैं, कलश स्थापना होती है, मंडप बनाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है, तेल लगाए जाते हैं, माता पूजन होता है, गौरी गणेश का पूजन होता है, ये सब हमारे संस्कार हैं। और इस हर प्रक्रिया में मांगलिक गीत गाते हैं, कुल देवी देवता और पितरों का आह्वान होता है। यदि ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसमें भाग करके शादी की जाती है, तो इन्हीं पितृ देवता और कुल देवी देवता की नाराजगी की वजह से, दोनों ओर के कुल देवी देवताओं की नाराजगी की वजह से, उन दोनों को जो ऐसे विवाह करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, भाग करके शादी करते हैं, इन दोनों को परेशान करते हैं, उनका वंश वृद्धि नहीं होने देते हैं। इसका एक उदाहरण और मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे पेड़ से गिरा पत्ता सलामत नहीं रह सकता है, या फिर पेड़ से काटी गई डगाल सलामत नहीं रह सकती, उसी प्रकार परिवार से बिछड़ करके, परिवार से भाग करके जो शादी करता वह कभी सही सलामत नहीं रह सकता। महाभारत के युद्ध में 5 पांडव एकता के सूत्र में हमेशा बंधे रहे, इसलिए कौरवों की सेना पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए। बिना भाई के साथ के रावण जैसा महाबली भी हार गया, और भाई का साथ पाकर वनवासी राम, श्री राम जी जीत गए। इसलिए अपने अहम का त्याग करके सदा परिवार के साथ मिलकर रहने का प्रयास करना चाहिए। एक उदाहरण और दे दूं, शायद उससे आपकी आंखें खुल जाए। यदि आप भाग करके विवाह करना चाहते हैं, या आपके परिवार में कोई बच्चे हैं वो भाग करके विवाह करने का विचार कर रहे हैं, तो उन्हें यह अवश्य सुना दो। एक उदाहरण और दे देता हूं मैं कि एक लकड़ी जो होती है अकेले आसानी से कोई भी तोड़ देता है, और उन्हीं लकड़ी को जब बंडल बना करके तोड़ने का प्रयास करते हैं तो वह लकड़ी नहीं टूटती है, बहुत कठिन हो जाता है। इसी प्रकार जब हम अकेले पड़ जाते हैं तो कोई भी आसानी से हमें तोड़ सकता है, मगर एक होते ही तोड़ने वाला स्वयं टूट जाता है। कहने का अर्थ मेरा यहां पर यह है कि परिवार के द्वारा जो संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, नियम कानून का पालन करके जो विधि विधान से विवाह होता है, वह विवाह ही वास्तव में मान्य होता है अदृश्य शक्तियों की नजरों में। अब अदृश्य शक्ति कौन? आपके पितृ देवता, आपके कुल देवता, आपके इष्ट देवता। यदि आपने इनकी मर्जी के बिना विवाह किया और इनकी पूजन अर्चन नहीं की, तो मान करके चले आप पेड़ की डाली थे, कट गए, बस अब आपकी यहां वंश वृद्धि नहीं होगी। और यदि आप कहोगे, बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि हमने लव मैरिज करी, हमारे यहां लड़का पैदा हो गया, अरे मैं कह रहा हूं लड़का बाप के कंधों पर मर करके जाता है, क्योंकि वो भी समय का इंतजार करते हैं,
क्योंकि दो कुल के, दो पितृ, दो कुल के, दो कुल देवता दोनों नाराज होते हैं, और जब दोनों की नाराजगी, दोनों का शाप लग जाता है तो मान करके चले निश्चित तौर से वंश का नाश तो होना ही होना है। आपकी यहां लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होगी, लड़का उत्पन्न नहीं होगा, और लड़का उत्पन्न हो गया तो वो इतने ज्यादा नाकों चने चबा देता है कि आप ये कहोगे कि ये उत्पन्न नहीं होता तो ज्यादा अच्छा था। या फिर कई बार संस्कारी बच्चा आ जाता है तो वो बच्चा बड़े होने पर जब उसका विवाह हो जाता है और उसकी भी कोई बच्चा हो जाता है उसके बाद उसकी मृत्यु होती है। इस रहस्य को समझने का प्रयास करिए। इसीलिए परस्पर प्रेम, सम्मान और सहयोग की भावना के साथ कर्तव्य निष्ठा से ही मकान, घर और घर परिवार बन जाता है। हम वर्तमान अवस्था में देखते हैं कि इकट्ठे होकर नहीं रह रहे, चार भाई हैं इकट्ठे होकर नहीं रह रहे, अरे दो भाइयों में भी आपस में झगड़ा हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है, कम से कम एक होकर के तो जरूर रह सकते, चाहे साथ साथ मत रहो पर एक होकर के तो रह सकते हो, परिवार के साथ रहो, संस्कार के साथ रहो। मुसीबत अशांति में खड़ा जो साथ बनकर आता है वो दीवार होता है। हमारा हौसला हिम्मत वही परिवार होता है। इसलिए अपनी मर्जी से विवाह न करें, अन्यथा आपको कष्ट तो भुगतना ही भुगतना है। कोई भी अदृश्य शक्ति, कोई भी तांत्रिक, कोई भी गुनिया, कोई भी पंडा, पुजारी या भगत आपकी कष्टों को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह कुल देवी देवता और पितृ देवता के द्वारा दिए जाते हैं, इष्ट देवता के द्वारा भी दिए जाते हैं। अब आपकी पूजा पाठ लगना बंद हो जाती है। अगर आपने भाग करके शादी की है, कुल देवी देवता का आशीर्वाद नहीं लिया है, तो मान करके चले कि आपके यहाँ पर आपकी जो पूजा है वो पूजा कोई और ले जा रहा है, कोई प्रेत ले जाएगा, और वो पूजा आपके इष्ट देवता, कुल देवी देवता तक पूजा नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से आपके वंश का नाश होता ही होता है। और आगे रहस्यमय ज्ञान की कड़ी में हम चल रहे हैं। यदि भाग करके विवाह करते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं कि यदि बच्चा उत्पन्न हो गया, लड़का उत्पन्न हो गया, तो ये मान करके चलें अगली पीढ़ी में उसके बच्चा उत्पन्न नहीं होगा, और ये भी हो सकता है कि जो उत्पन्न हुआ है बच्चा उसकी जवानी में मौत हो जाती है। मानो या न मानो ये पूर्णतः सत्य है। आपको अदृश्य शक्तियां के बारे में जानना ही होगा, अन्यथा आप कष्ट पर कष्ट भुगतते रहोगे और आपको कोई कष्ट दूर नहीं कर सकता। सिर्फ आपको लोग बाग नोचने का काम करेंगे, आपके पैसा खर्च कराने का काम करेंगे कि ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, ये जप करा लो, ये ऐसा करा लो, परंतु कुछ भी नहीं होगा। हम देखते हैं किसी किसी परिवार में कि विवाह पर बकरे की बलि दी जाती है, और कहीं जगह तो मैंने अपनी आंखों से देखा है बकरे बकरी दोनों की बलि दी जाती है विवाह होने पर, और कहीं कहीं पर यह भी देखा गया है कि सिर्फ बकरियों ही बकरियों की बलि दी जाती है, बकरे की बलि नहीं दी जाती है। विवाह होने के उपरांत इसका मतलब यहां पे यह होता है कि यदि आपके कुल में किसी लड़की ने या किसी लड़के ने ऐसे भाग करके विवाह कर लिया है और अपने कुल देवी देवता को, जिनको ये बलि लगती है मांगलिक कार्यक्रम होने के बाद में, यदि नहीं दिए तो वो दोनों पति पत्नी आत्महत्या भी कर सकते हैं। उनकी जिंदगी में क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता और बीमारी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो यदि जिन जिन मनुष्यों के यहां पर विवाह के उपरांत या बच्चा पैदा होने के उपरांत ये संस्कार है, ये परिपाटी चली आ रही है कि हमारे उन देवी देवताओं के समक्ष किसी न किसी की बलि दी जाती है, तो बलि अवश्य दें। परंतु यदि भाग करके शादी की है
तो वो बलि भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए घर से भाग करके बिल्कुल भी शादी न करें, अन्यथा आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, परिवार बर्बाद हो सकता है, बाद में लड़की छोड़ करके जा सकती है, और यदि हो सकता है कभी लड़का छोड़ करके चला जाता है, तलाक की एप्लीकेशन लग जाती है, जिंदगी में फिर आपको साथ देने वाला कोई नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि पहाड़ से टूटा हुआ पत्थर और पेड़ से गिरा हुआ पत्ता या पेड़ से कटी हुई डगाल कभी भी सलामत नहीं रह सकती। उसी प्रकार परिवार से बिछड़ा व्यक्ति भी कभी सलामत नहीं रह सकता। इसी से अर्थ समझ लें कि वास्तव में आप यदि परिवार से कट जाते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या घटना घटित हो सकती है। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी मधु केटभ हंति चंड मुंड नाशिनी रक्त बीज विनाशिनी शुंभ निशुंभ मर्दिनी दुमलोचन सनंती सिंहवाहिनी पाप नाशिनी क्लेश नाशिनी सर्व शत्रु नाशिनी सर्व शत्रु घातिनी महामाया का मख्या आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख समृद्धि और शांति दे। ओम धोम शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी ही शांति ही आपह शांति ही औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ॐ शांति 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 सुशांतिर्भवतु।